लाख के करीब रहता था जो बाहर काम करता था, उसमें सबका ले करके तुम सबको यहाँ ले आएंगे और सब वहाँ ट्रांसफर किया गया और ये किया गया कि भाई वहाँ पर रह रहा है उसको कोई जरूरत नहीं, तो उसको बेचारे को खाने उने का इंतजाम जगह जगह करवाए चलाए उत्तर तो ठीक ही है। यहाँ का लोग कहाँ रहे जो है हमारा जाति आधारित करना, उसमें एक एक चीज़ का इम्पोर्टेंस ताकि खाली कितना कौन कहाँ है उतने से नहीं, उतना के अलावे सारी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो बहुत ठीक ढंग से पता चलेगा ना कि सही मायने में अपने राज्य में कहाँ है। और इसी से ना उसी से ना और पता चलेगा कि हमारे यहाँ के लोग कितने लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। तो और भी तरह से तो लोग जान ही रहे, 1 करोड़ की करीब तो है, सबकी आर्थिक स्थिति वाला भी देखना है। अभी तो हाउस का देख रहा हूँ ठीक ही है, हाउस में कितना आबादी है वो सब तो ठीक है, तो पहला फेज है। लेकिन हम कह दिए कि सर ध्यान रखिए दोनों चीज़ जरूरी है। अभी तो हाउस अभी तो चल रहा है, इसलिए बता दे रहे हैं कि इसके साथ साथ काम करना सबका तो करना ही है, जाति गणना तो करना ही है। अब ये वो खाली रूप से जनगणना लिखते रहता है, अरे जनगणना नहीं गणना काउंटिंग कर रहे सर्वे सीएम कह रहे हैं वो पार्ट ज्यादा सेंसिटिवली कर आर्थिक भी सब जात के लोगों का पहचान हो जाएगा ना, मतलब हर परिवार को जानना, हर परिवार को जानना, तो किसी भी काम के बाहर भी लोग रहते हैं। आप यहाँ पे कोई रहता है उसी से लेकर के कहाँ रहता है वहाँ का भी कंफर्म करके उसको जोड़ देना है कि ये बाहर रहता है, लेकिन इतना कभी कभी होता है ना जो देखिएगा तो पता चला कि भाई यहाँ है ही नहीं, तो कहाँ पर रहता है इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी जरूरी। गाजीपुर की शाह का होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजीपुर।